बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। ये देखे नहीं, हम जा रहे हैं गोलगप्पे लेने बच्चों के लिए, क्योंकि खाना तो सबने खा लिया, पेट भरा हुआ है। तो बोले हैं, बच्चे ने बोला कि मामा पापा से कहते हैं कि थोड़े से हमारे लिए गोलगप्पे ले आए, तो हम वो लेने जा रहे हैं। हम रोड पर निकले हैं बाहर, क्योंकि थोड़ा दूर मिलते हैं यहाँ गोलगप्पे, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं लेने के लिए और आपको मिलवाएंगे गोलगप्पे वाले भाई से भी कि हम कहाँ से लेते हैं। उनके गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। जब हमने अपनी बेटी की शादी की तो उन्हीं की शॉप से गोलगप्पे भी लिए थे, बहुत ज़बरदस्त गोलगप्पे होते हैं। थोड़ा सड़क पे बनाना ब्लॉग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाइक पे बैठे हुए हैं तो बाइक हिलती बहुत है और रश की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर अल्लाह पाक अपनी गाड़ी दे दे तो उसमें ब्लॉग बनाएं, तो वो अच्छे से बनेगा। और गाड़ी हम जब भी लेंगे, जब आप लोग हमारी सपोर्ट करेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे। इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन 9:15 रात के। वो देख लें रोशनियाँ, गाड़ियों की रोशनियाँ हो रही हैं, गाड़ियों की वजह से रोड जो है रोशन हो जाते हैं। कुछ लाइटें वगैरह थोड़ी बहुत लगी हुई हैं यहाँ पर। ये बच्चों का जॉयलैंड है, देखें अंदर झूले वगैरह लगे हैं। किसी दिन हम विज़िट करवाएंगे यहाँ का भी, बच्चों को लेकर आएंगे। बारिश की वजह से थोड़ा गंदा, ये देखें गंद हो रहा है ज़्यादातर रोड पर और अंदर भी गंद है, तो इसलिए हम नहीं लेकर आए अपने बच्चों को। कि मैंने कहा ज़रा मौसम है, इसके पापा कहने लगे अच्छा होगा, खुशक हो जाएगा फिर चलेंगे। ये देखें इसका बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें ये गिरजाघर है, है? इमाम बारगा, सॉरी मैंने गिरजाघर बोला है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इमाम बारगा है। और हम उस रोड पर आ गए हैं जहाँ गोलगप्पों की शॉप है, काफ़ी शॉपें हैं, लेकिन किसी किसी के मज़े के होते हैं। ख़ास तौर पे खट्टे का जायका होना चाहिए, खट्टा जो है किसी का मज़े का होता है, और जिसका मज़े का होता है हम उसी से फिर खाते हैं। गोलगप्पे अक्सर हम यहाँ आते हैं और खाते हैं, तो हैं हाँ जी सर। ये देखिए जी हम आ गए हैं गोलगप्पे की शॉप पे, और उनकी शॉप का नाम है अल मदीना वाले। जिसने खाना है यहाँ पर आए, इनके गोलगप्पे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है भाई पैक कर रहे हैं गोलगप्पे और हम भी पैक करवाने के लिए ही आए हैं, लेकर जाएंगे। बस दौड़ती थोड़ी सी चहचहाहट होती है बात करते हुए लोगों से। ये इनके गोलगप्पों की शॉप है, और ये जो भाई हैं बना रहे हैं पापड़ी चाट, पापड़ी चाट बना रहे हैं। ये देखिए पापड़ी चाट बन रही है। ये है इनके खट्टे के मटके। खट्टा भी देते हैं और खट्टा भी। और जिसने ऑर्डर देना है शादी ब्याह के लिए, यहाँ ऑर्डर दें, इनसे लें, इनके गोलगप्पे अच्छे होते हैं। ये देखिए जी पैक हो गए हैं हमारे गोलगप्पे, आ गए हैं और हम लेकर हो रहे हैं रवाना घर पर। ये देखें हस्बैंड ने मेरी जो है बाइक पर टांग ली है गोलगप्पे, बस अब टूटे बगैर घर पहुंच जाए।
और हम हो रहे हैं वापस रवाना अपने घर की तरफ, और जाकर खाएंगे फिर गोलगप्पे। और आप लोगों के मुंह में आएगा पानी गोलगप्पे का खट्टा देखकर, क्योंकि खट्टा इनका बहुत मज़े का होता है। परफेक्ट मिर्ची मसाले और नमक मिर्च जो होते हैं परफेक्ट होते हैं, खट्टा भी ज़्यादा तेज़ नहीं होता कि गले ख़राब हो जाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है इनका खट्टा। और ये है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इस्लामिया, माशाल्लाह बहुत बड़ा कॉलेज है ये, बच्चों और बच्चियों का दोनों का ही। सामने चौक है, देखें यहाँ फ्रूट वगैरह की भी रेड़ियाँ लगती हैं। और जो है टिक्के शिक्के यानी के ये दही भले वगैरह बहुत चीज़ें यहाँ, यानी के सारी रात जो है चलता रहता है खाना पीना। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं अपने घर गोलगप्पे लेकर, हम खाना शुरू करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें जी खट्टा जग में होने लगा है, और ये चने हैं जो गोलगप्पों के अंदर जाते हैं। ये देखें ठंडा यह होता है, बर्फ़ डाल कर देते हैं खट्टे में, और ये नहीं कि थोड़ा सा देते, काफ़ी खट्टा देते हैं, क्योंकि हमने एक दर्जन गोलगप्पे लिए खुद भी, इतना ज़्यादा उन्होंने दे दिया है खट्टा। कैसा टार्च? वो मैं बाहर बना रही थी तो हो गई थी ऑन। और ये लो, आप ऐसा करो गिलास ले आओ छोटे, प्लेटें भी लाओ, प्लेटें में क्या करनी है इसमें डालो बस, इतने ज़्यादा बर्तन धोने के लिए हो जाते हैं फिर हमारे, बर्तन ही धोते रहते हैं हम लोग। अब मेरे मियाँ जो हैं इसमें भरने वाले हैं, ये चने शने जो हैं ये इसमें भरेंगे फिर हम लोग खाएँगे। और ये आलू चने आपको दिखाए थे वो खुद बना रहे थे उसी टाइम पर। और जब हम लोग गोलगप्पा खाते हैं तो मुंह में फाट जाता है, चले भी खट्टा लें और खाना शुरू करें। हो गया इतने गोलगप्पे, एक दर्जन गोलगप्पे ही ख़त्म हो रहे, और इतने महंगे कर दिए हैं गोलगप्पे, 150 रुपये दर्जन, देखें ज़रा इनका हाल। और ये मैं ला रही है गिलास बेटे और लेकर आते हैं, या हम चार जने हैं। पापा ने हाथ वाला ये देखें खाटा भी हो गया जी, खाटा गिलासों में हो गया है, अब ये खाएं गोलगप्पे। अब ये मेरा बेटा खा रहा है तो इसके मुंह में जो है गोलगप्पा फट जाएगा, ये देखें मुंह होने लगा इसका लीक। चलो भाई चलो, मसाला खट्टा बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं नीचे गिरा दूँ। मैंने नहीं गिराया, इसके पापा का हाथ लगा है मेरे यानी कि जग पर, तो ये गिर गया और नाम बदनाम हो रहा है मेरा। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह जानता है। ये लें आप ले लें ज़्यादा, आपको इतनी टेंशन हो रही है तो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फिर नीचे का रह गया फिर ना कहना। और देखें गोलगप्पे खाएं, जिस जिसने खाने हैं बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, जायकेदार खट्टेदार मज़ेदार चनेदार।
मामा ने अपना सर पकड़ लिया है, पता नहीं क्या हुआ उसको। इतना मजा आया मुझे कि मैंने अपना सर ही पकड़ लिया। मैं सर पकड़ लिया, इतना मजे का गोलगप्पा। चले मियाँ जी खाएं आप भी, चले। और अब देखें कैसे भी डालना है इसमें, कैसे नहीं दिया है? ये देखें, इनका तो पार्ट ही गया ना। मेरा बेटा बोला बहुत अच्छे हैं, मजे के हैं, तो खाएं आप। किसी दिन इंशाल्लाह जाएंगे शॉप पर, फिर खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। कम से कम 3 दर्जन तो उस टाइम हम लोग खा ही जाएंगे ना। और ये ना जो बड़े बड़े हैं मेरे बच्चे, वो गोलगप्पे नहीं उठा रहे क्योंकि उनके मुंह छोटे छोटे हैं, तो इसलिए। दूसरी तरह बैठो, क्या हो गया? बंद गोभी उन्होंने ज्यादा डाल दी इसमें। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। खट्टा हो गया है ख़त्म, ये देखें खट्टा मज़े का था तो ख़त्म हो गया बहुत जल्दी। क्या अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और हमें कामयाब कीजिए। आपकी वजह से हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर होंगे। और हमारे व्लॉग लाजमी देखा करें और सब्सक्राइब किया करें। चलें मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं वो होने लगा था।